फिर से मुझे आमिर कहना है अभी बहुत खूबसूरत टूर करके आए हैं, आपने देखा होगा किस कदर हसीन डेकोरेशन है और क्या खूबसूरत उसको तरीके से सजाया गया है, और जिस तरह स्टाफ काम कर रहा है, जिस तरह लोग खाना खा रहे हैं और खाने की खुशबुएँ हैं, और उसकी जो एक प्रेजेंटेशन है बहुत ही औसम है, मज़ेदार है। अब जो तरीके से मैं एक रयान ओरिएंटल रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस वन के बारे में बात करना चाहूँगा आपके, उसकी एक अपनी एक खास बात है जी। उसमें मैंने देखा कि आपके 1961 से शुरू होकर 79 तक आए थे, क्या है ना, 81 तक रूम्स के नाम। अच्छा ये जो मैंने आपको एयर बताया, एयर तो है ही, लेकिन ये वहाँ हर रूम का एक नंबर है 1962 से 81 तक। तो ये क्या खास था, तो ये 1961 से 81 तक आपने ये एंटीक टाइप का सोच के रखा था? जी बिल्कुल, ये सारा मैंने एंटीक बनाया। यानी कि आप जिस रूम में भी जाते हैं, अगर मैं वहाँ पे 61 में गया तो 61 में जिस तरह का वार्डरोब, जिस तरह की अलमारी, जिस तरह का बेड यूज होता था, और जिस तरह की कबर्ड और स्पेशल वो विंडोज मैंने देखी, वो बड़ी अट्रैक्टिव है। आपने खास चॉइस करके लगवाई है विंडोज भी और डोर्स भी। तो वो आप अगर आएंगे और आप ठहरेंगे 74 में, ये भी हो सकता है 74 में आप पैदा हुए हो, आप ठहरेंगे 80 में, हो सकता है 80 में आपकी शादी हुई है, तो आप अपनी पुरानी यादों में खो जाएंगे, वही सन में पहुंच जाएंगे, उसी ईयर में पहुंच जाएंगे, और बहुत सारी यादों को इन यादों के साथ मिलाकर एक खूबसूरत सा माहौल और खूबसूरत सा टूर आपका बन जाएगा। हम चलते हैं मिस्टर शाजी अली की तरफ और इनसे बात करते हैं। रयान ओरिएंटल रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस 2, यहाँ पे थोड़ा सा एलीट क्लास देखा मैंने, तो ये क्या सोच रहा है? ये इसकी हमें थोड़ा यहाँ हमारे पास वहाँ पे बहुत लोग आते थे कि मतलब हमें ऑफिस लंचेस होते हैं, बैंक्वेट हॉल चाहिए होता है, क्योंकि हलाल फूड हर जगह आपको नहीं अवेलेबल होता। यहाँ पे बहुत मुस्लिम कम्युनिटी, फुकेट में लोग समझते हैं कि थाईलैंड में मुसलमान नहीं है, यहाँ पे 60% मुस्लिम है फुकेट शहर में खुद, और ये लोग जैसे आपकी बर्थडे पार्टीज होती हैं, छोटी मोटी वेडिंग तकरीबा होती हैं, तो उसके लिए जो है वो हमने इसलिए इसको थोड़ा बड़ी जगह ली है और थोड़ा हाई क्लास में थोड़ा लाने की कोशिश की कि लोग अपनी पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं।